नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं Asus Zenfone 8 के कैमरा पोर्ट के बारे में। कुछ टाइम पहले दोस्तों Asus के जो कैमरा एप्लीकेशन से उसका जो पोर्ट रोम है अवेलेबल हो चुका है, एंड इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों इसी कैमरा एप्लीकेशन का जो है रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलने वाला है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर दीजिएगा। ऐसे देख पा रहे हो यहाँ पर जो वर्जन हमें देखने को मिलता है 8.8.17 है, एंड ये जो कैमरा एप्लीकेशन का यूआई है ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। एज पर नाउ हमारे पास जो रेडमी नोट 7 है इसके अंदर हमने ये जो कैमरा एप्लीकेशन से इसे इंस्टॉल किया है, बट मैंने पोको F1, MI2 ये दोनों डिवाइस के अंदर भी ट्राई करके देखा है, दोनों डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। यूजर इंटरफेस देख सकते हो, कुछ इस तरह से हमें इसका यूजर इंटरफेस देने को मिलता है। यहाँ पर आपको HDR का ऑप्शन है, HDR ऑटो, HDR ऑन एंड HDR ऑफ का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल गया है। 4:3, 16:9 का जो ऑप्शन है वो भी देने को मिलता है। यहाँ पर फ्लैश के अंदर आप चाहो तो हर टाइम फ्लैश ऑन करके रख सकते हो, ऑफ ऑटो ऑन का भी ऑप्शन देने को मिलता है, एंड यहाँ पर टैप करके फोकस कर सकते हो, एंड यहाँ पर आपको एक्सपोजर का भी कंट्रोल देने को मिल जाती है। देख पा रहे हो इस तरह से है, काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर आप जो है जूम के लिए देख सकते हो, यहाँ पर आप हाइस जो है 80x तक जूम कर पाओगे, तो ये आपका जूम के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको वीडियो मोड देने को मिलता है, वीडियो मोड के अंदर आप दोस्तों फुल HD, 4K एंड HD तक जा सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर जो स्टेबलेशन है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। वीडियो मोड की बात करो देख सकते हो, यहाँ पर हम वीडियो मोड के अंदर जो है फुल HD के अंदर वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, एंड यहाँ पर से हम फोटो भी क्लिक कर पाएंगे, ऐसे हम जूम भी कर पाएंगे। तो देखिए बारो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, स्टेबलेशन जो फीचर्स है मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। देखो वीडियो भी हमारा जो है सेव हो चुका है, एंड यहाँ पर और एक फीचर्स मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा है, अगर आप जो शटर बटन है इसे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो ये जो फीचर्स है मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। टाइमर फीचर्स यहाँ पर देने को मिल गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें टाइम लैप्स फीचर देखने को मिलता है। टाइम लैप्स के अंदर भी अगेन 4K का ऑप्शन देने को मिल जाती है, आप चाहो तो 4K के अंदर भी जो टाइम लैप्स वीडियो है उसे शूट कर सकते हो। टॉर्च का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है, एंड यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर अपना जो ऑटो जूम का फीचर से डाल दिया गया है, जूम आउट जूम इन का फीचर देने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो है अपना रिकॉर्डिंग स्पीड एंड वीडियो लेंथ को आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको इन्फिनिटी का ऑप्शन देने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आप चाहो तो 90x, 30x, 150x एंड 300x तक भी जो स्पीड है उसे आप कंट्रोल कर पाओगे, काफ़ी बढ़िया है। नाउ स्लो मोशन भी फीचर हमें देने को मिल जाती है। स्लो मोशन के अंदर आपको दोस्तों FPS का भी फीचर देने को मिलता है, जैसे कि फुल HD का ऑप्शन है, एंड फुल HD के अलावा आपको 240 का जो ऑप्शन है शायद देने को नहीं मिलता है। स्लो मोशन की बात करो देख सकते हो, अब जो है स्लो मोशन वीडियो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम, एंड जो काफ़ी बढ़िया बात है। तो ये जो कैमरा एप्लीकेशन से, इस कैमरा एप्लीकेशन के अंदर ऑलमोस्ट सभी फीचर जो है यहाँ पर वर्किंग कंडीशन के अंदर है। टाइम लैप्स अगर बात करो देख सकते हो, टाइम लैप्स के अंदर ही वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अपना HD के अंदर, मतलब फुल HD के अंदर, ठीक है ना। 4K को भी ट्राई करके देखते हैं क्या 4K के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर पाता है तो। एंड यहाँ पर जो है सिंपली हम देखिए बारो 4K का जो ऑप्शन है ये पर कोई भी काम का नहीं है। 4K के अंदर आपका जो फोन है ब्लैक स्क्रीन आ सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको ब्लैक स्क्रीन आता है तो सिंपली ऐप इन्फो में जाके क्लियर डेटा कर दीजिएगा। नाउ यहाँ पर अगर बात करूँ सेल्फीज की, तो सेल्फीज के अंदर दिक्कत है भाई साहब, आपका जो सेल्फी है उसको यहाँ पर काम नहीं करता, स्पेशली अपना फोटो देखो, फोटो तो क्लिक हो गया, एंड सेल्फी पैरानोमा की अगर बात करूँ देखो क्रैश कर जा रहा है। तो सेल्फी पैरानोमा जो फीचर से यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, बट नॉर्मल जो सेल्फी है फ्रंट कैमरे से वो दोस्तों यहाँ पर काम कर रहा है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। ना ये जो Asus Zenfone 8 का कैमरा पोर्ट है इसके अंदर आपका अपना टाइम वाटरमार्क, कैमरा वाटरमार्क का भी फीचर देने को मिलता है। तो सिंपली यहाँ पर जो है अपना डिवाइस वाटरमार्क को डाल देते हैं, टाइम एंड टाइम डेट को भी डाल देते हैं। तो नाउ देखते हैं कैसे काम करते हैं, तो हम जल्दी से फीचर को क्लिक करते हैं एंड अभी देखते हैं। ओके यहाँ पर जो है लोड हो रहा है अभी फिलहाल, देख सकते हो टाइम लेते हैं, वैसे इतना ब्लर क्यों आ रहा है। एंड ओके आई होप यू कैन सी, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर टाइमर आ चुका है, यहाँ पर Zenfone का जो है वाटरमार्क आ चुका है एज वेल, एंड बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो डेट भी आप देख पाओगे, डेट एंड टाइम भी डाल दिया गया है। तो जो वाटरमार्क का फीचर से वो भी यहाँ पर काम कर चल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा है मेरे को। यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट काउंटडाउन को भी ऑप्शन देने को मिल जाएगा, जहाँ रियर फ्लैश LED विल ब्लिंक टू इंडिकेट द काउंटडाउन टाइमर। तो ये जो फीचर्स है आपके मैंने आपको दिखा दिया, अगर आप स्वाइप अप करोगे अपने शटर बटन को ऑटोमेटिकली जो टाइमर है दोस्तों बिगेन हो जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है।
या फिर हमारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो टाइम लैप्स है, जो स्लो मोशन है, इवन जो HDR मोड है वो भी काम कर रहा है, तो आप आराम से सभी फीचर्स को यूज़ कर पाओगे। एंड ये जो वाटरमार्क का जो सेक्शन से ये भी यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, जो कस्टम वाटरमार्क है उसे भी आप डाल पाओगे, उसको भी जो ऑप्शन है डाल दिया गया है। टच शटर का भी ऑप्शन देने को मिल जाएगा, प्री ऑटो फोकस का जो ऑप्शन है वो भी देने को मिल जाएगा, ट्रैकिंग ऑटो फोकस का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर आपको देने को मिल जाएगा, स्कैन QR कोड का जो ऑप्शन है वो भी डाल दिया गया है, आप QR कोड को स्कैन कर सकते हो डायरेक्टली। एंड यहाँ पर आपको सुपर रेज मोड ये सभी जो ऑप्शन है ये भी देखने को मिलता है, तो इसे भी हम इनेबल कर लेते हैं। तो मोशन ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है ये भी देने को मिलता है, सभी फीचर्स को हमने इनेबल कर दिया है। हॉराइजेंटल लेवल का ऑप्शन देने को मिल जाएगा, ग्रिड टाइप का ऑप्शन देने को मिल जाएगा, कैमरा साउंड को बंद कर सकते हो, एंटी फ्लिकरिंग का जो ऑप्शन है वो देने को मिलता है, अपना जो वॉल्यूम बटन है उसे बेस एज ए शटर बटन और वॉल्यूम बटन की तरह भी आप चाहो तो यूज़ कर पाओगे। एंड आपका जो कैमरा रेगुलेशन है उसे आप सेट कर सकते हो, टाइमर को लगा पाओगे। ना देख सकते यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देने को मिल जाएगा, ऐसे कि सुपर रेगुलेशन मोड का ऑप्शन देने को मिल जाएगा, यहाँ पर अपना प्रो मोड भी देने को मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड देखिए बड़ो, अगर हम वीडियो के अंदर से आते हैं सीरीज मोड के अंदर, तो हमें यहाँ पर फुल HD का और 4K का ऑप्शन देने को मिलता है। यहाँ पर जो अपना H.265 का भी ऑप्शन है वो भी देने को मिल गया है, बट यहाँ पर आप जो FPS है उसे आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मोशन ट्रैकिंग का जो फीचर है वो भी डाल दिया गया है। ना मोशन ट्रैकिंग का जो फीचर है देखिए पाओ यहाँ पर काम शायद नहीं करता है, एंड देख लेते हैं यहाँ पर ये जो फीचर से कैसे काम करते हैं। देख सकते हो हम यहाँ पर कैमरा शटर बटन में टैप कर रहे हैं, बट कोई भी चीज़ जो है कि यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो मोशन ट्रैकिंग फीचर्स देखने को तो मिल जाती है बट शायद दोस्तों यहाँ पर काम नहीं करता है। ना यहाँ पर चलते हैं प्रोमोट के अंदर, देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो प्रोमोट के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर मैनुअल ऑप्शन देने को मिल जाती है, ऐसा आप मैनुअली सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑटो फोकस का ऑप्शन देने को मिल जाती है, एंड प्रोमोट यहाँ पर काम करती है जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। एंड यहाँ पर आपको शटर स्पीड देने को मिलता है, अब यहाँ से शटर स्पीड को चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको ISO का भी ऑप्शन है, ISO की भी अपने मन मुताबिक आप घटा बढ़ा पाओगे। एंड यहाँ पर आपको EV का जो ऑप्शन है वो भी देने को मिल गया है, एंड वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल ही जाते हैं, देख ही पा रहे हो। सो प्रोमोट जो है काफ़ी शानदार है, आप यहाँ से प्रोमोट को भी यूज कर सकते हो, फुली वॉकिंग कंडीशन के अंदर है। एंड देखो प्रोमोट के अंदर पिक्चर भी क्लिक कर पाओगे। एंड सुपर रेजोल्यूशन जो मोड है भी देने को मिलता है, मेनली आपका 40 MP 64 MP जो कैमरा है उसके लिए है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर हाई MP के कैमरा एप्लीकेशन मतलब कैमरास है, तो आप चाहो तो ये जो सुपर रेजोल्यूशन मोड है इसके साथ जो है फोटोज को क्लिक कर पाओगे, काफ़ी सही है। एंड यहाँ पर आपको जूम का भी जो ऑप्शन है वो भी देने को मिल जाती है। तो बहरहाल ये जो ASUS ZenFone 8 का पोर्ट है, काफ़ी कैमरा पोर्ट है, काफ़ी सही है, इसके अंदर काफ़ी बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है। अगर बात करूँ बग्स की, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो सेल्फी पैरानोमा का जो ऑप्शन हमें फ्रंट कैमरा के अंदर देखने को मिलता है वो काम नहीं कर रहा है, उसके अलावा ऑलमोस्ट सभी चीज़ काम कर रहा है। और एक चीज़ है वो दोस्तों अपना मोशन ट्रैकिंग ये जो फीचर से ये भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। बाकी आप चाहो तो इस कैमरा एप्लीकेशन को एक बार ट्राई करके देख सकते हो। इस कैमरा एप्लीकेशन का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप विदाउट रूट इस कैमरा एप्लीकेशन को यूज़ कर पाओगे, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। आपको वाटरमार्क काम कर रहा है, वीडियो HDR स्लो मोशन टाइम लैप्स ऑलमोस्ट सभी चीज़ काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो कैमरा एप्लीकेशन है इसे आप ट्राई करके देखो, काफ़ी शानदार है, काफ़ी बढ़िया है। एंड 4K के अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग अगर यूज़ करते हो तो 4K जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी काम नहीं कर रहा है। फुल HD एंड HD के अंदर अगर वीडियो कट करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बट अगर आप 4K के अंदर वीडियो कट करते हो तो आपका जो कैमरा एप्लीकेशन है क्रैश हो जाएगा, आपको ब्लैक स्क्रीन का जो इशू है वो देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ छोड़ के ओवरऑल जो ZenFone का कैमरा एप्लीकेशन है काफ़ी सही है, ट्राई करके देखो। डाउनलोडिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को मिल जाएगा इस कैमरा एप्लीकेशन के लिए। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।